माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। जीएसटी नोटबंदी और कुछ गलत नीतियों की वजह से एक मुश्किल से दौर से गुजर रहा था, और उसी वक्त पे कोरोना की महामारी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। बहुत लोग बर्बाद हो गए। एक उम्मीद की आस की किरण थी कि भारत सरकार का बजट आएगा, हमारे लिए कुछ सुनहरा चांद खिल जाएगा। मुझे कहना होगा, देशवासियों की उन उम्मीदों को धूमिल कर देने वाला ये बजट लेके आई है सरकार। कमाई करो उसके पर भी टैक्स भरो, और खर्च करो तो उसके ऊपर भी टैक्स भरो, ये कहने वाला ये बजट ये सरकार लेकर आई है। माननीय उपसभापति महोदय जी, एक ही मां के दो बच्चे होते हैं, एक छोटा बेटा होता है, एक उम्र में बड़ा मजबूत हुआ हुआ बेटा होता है। दोनों बेटे अपने होते हुए मां छोटे को गोद में बिठा के खिलाती है, और अगर बड़े के पास ज्यादा है तो लेके उसको देती है छोटे को। मां यह नहीं कहती है छोटे बेटे को, आत्मनिर्भर बन जा, आत्मनिर्भर बन जा, तेरी सुरक्षा की मुझे कोई जरूरत नहीं। यहां तो उल्टा हुआ, कमजोर लोगों को कहते हैं, गरीब को कहते हैं, मिडिल क्लास को कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ, और बड़े बड़े दोस्तों को कहते हैं कि संरक्षण है ना मेरा, मित्रों चिंता मत करना, मैं हूं ना। यह परिस्थिति वाला ये बजट जो आया है, तब माननीय उपसभापति महोदय जी, जो पार्टी आज पावर में है वो यहां पर भी थी ऑपोजिशन में, बार बार कहते थे आवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, लोग की आय बढ़ती है, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना चाहिए, कम से कम 10 लाख हो जाना चाहिए। आपने उस स्लैब में कोई बढ़ोतरी नहीं की, आपने एटीसी में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हाँ कुछ कुछ किया आपने, वो कैसा किया, जैसे इंटरनेट में बैठते हैं ना महोदय, कहीं कहीं बहुत अट्रैक्टिव प्रपोजल लगती है, चलो इसको खरीद लो, बहुत बढ़िया है, पर फिर धीरे से लिखा होता है TNC अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, और जब वो टर्म्स एंड कंडीशन में जाओगे तो पाओगे कि यहां तो ठगे गए हो, कुछ मिलेगा नहीं। इस बजट में भी ऐसा है, लफ्ज हुआ सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन 60 साल में आ जाता है, ये नई डेफिनेशन लेके आए 75 साल। जोर जोर से कहा गया कि उसको टैक्स नहीं भरना होगा, इसको रिटर्न नहीं भरना होगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशन आई कि जो पेंशनर है वही, और जिसकी सिर्फ इंटरेस्ट की इनकम है वही, बाकी तो 80 साल के बूढ़े को भी वही की वही हालत है। तो ये उपसभापति महोदय जी, इस बजट की असलियत है। भावनगर में शिप ब्रेकिंग यार्ड है, शिप ब्रेकिंग को डबल करने की आप बात करते हो, आपने देखा 5 साल का एवरेज देखो, 55 से 75 प्लॉट्स ही ऑपरेशनल है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिसी कुछ बीच में आती है, आप बाहर से स्क्रैप आता है उसकी ड्यूटी जीरो करते हो, और जहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट जो इंडस्ट्री करती है उस शिप ब्रेकिंग पे आप 2.5% ड्यूटी लगाते हो, कैसे चले? रीरोलिंग मिल्स चल रही है वहां पे, बहुत अच्छी चलती थी, अभी वहां पे आपका एक आदेश आया है उसकी वजह से, स्टील अथॉरिटी कंट्रोल ऑर्डर, उसकी वजह से शिप का जो स्क्रैप निकलता है वहां से आप स्टील बार्स नहीं बना सकते। मैं कहता हूं कि क्वालिटी को जरूर मेंटेन करें, पर किंतु 20 mm तक के स्टील बार बनाने के लिए इसमें मंजूरी मिल जानी चाहिए। इस बजट की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूती कपड़े, सिल्क, प्लास्टिक, लेदर, ऊर्जा उपकरण, कपड़े, एलईडी बल्ब, फ्रीज, एसी, सब कुछ महंगा आप करने जा रहे हो, ये सब महंगा होगा, आपका टैक्स का दंडा पड़ रहा है उसके ऊपर। और हम सब यहाँ पे स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, हम राज्यसभा के मेंबर हैं, हमारी जिम्मेवारी है स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की। ये सरकार क्या कर रही है, 14वें वित्त आयोग ने कहा है कि जो भी टैक्स लेगी भारत सरकार
40% स्टेट को देना पड़ेगा। ये सरकार टैक्स की बजाय सेस लेने जा रही है, इसलिए कि सेस से पैसा आएगा, राज्य सरकार को उसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। ये जो पॉलिसी अपनाई है, मैं इसका विरोध करता हूं। माननीय महोदय, मैं ये जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री जी तो जो है ना, बहुत शालीन है, बहुत अच्छी है। वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई है, JNU, जिसको आजकल ये लोग देशद्रोहियों का अड्डा कहते हैं, पर वहां से बड़े बड़े अच्छे लोग निकले हैं। पर ये बजट में ये दिक्कत है, इसमें वित्त मंत्री का दोष नहीं है। जिस कैबिनेट में मंत्री अपना PA या PS नियुक्त करने में आत्मनिर्भर नहीं हो, वो बजट आत्मनिर्भर कैसे होगा? तो उसमें वित्त मंत्री जी का मैं दोष नहीं मानता हूं। वो तो उसी JNU में से उसने जीवन साथी भी पसंद किया, और वो जीवन साथी है जिसके संस्कार और बैकग्राउंड सारा कांग्रेस का खानदान का रहा है, ऐसा जीवन साथी भी JNU से मिला है। महोदय, मैं कहूंगा अभी खेल के पैसे काटे हैं। राज्य वित्त मंत्री जी को मैं आपके जरिए कहना चाहूंगा कि जरा कभी कभी वो ठाकुर वाला अपने में भी दिखाओ यार, आप तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो, वो पैसे काट रहे हैं, तो जरा उधर भी ठाकुरपन थोड़ा दिखाना पड़ेगा। कभी कभी अंदर वालों को भी वो दिखाना जरूरी होता है। माननीय सब महोदय, यहां पे कहा गया कि मंडी बंद नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं क्यों बंद होगी। एक काले कानून आने की वजह से जो APMC चलती है वो किसके ऊपर चलती है? आप कहीं पर भी सामान बेचो, APMC का टैक्स भरना पड़ता है, इससे मंडी चलती है। आप इस काले कानून में लाए हो, ऑनलाइन बाहर मंडी के बाहर भी सामान बेचेगा, APMC की सेस उसको नहीं मिलेगी। बताओ मुझे APMC कैसे जिंदा रहेगी जिसके पास और कोई चारा ही नहीं है। एक किसान मत समझो आप, एक कुदरत का दिमाग भी पहचान लेता है, तो तुम्हारा काला कानून तो कैसे भूल पाएगा, वो जरूर पहचान लेता है। ये मत कहो कि उसने कानून को समझे नहीं है, ये कहो कि हमारे कानूनों को किसान अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसलिए वो आंदोलित हुए हैं, इसलिए वो जान दे रहे हैं, इसलिए वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। यहां बजट में जिक्र हुआ महोदय कि ये ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट टीम जीत के आई, हमें भी खुशी है, इतिहास रचा दिया, बहुत बहुत बधाई हमारी क्रिकेट टीम को। पर वही नेता ट्वीट करने वाले और बजट में रखने वाले इतना बोल देते ना कि वो क्रिकेट की टीम इतिहास इसलिए रच के आई कि बेस्ट परफॉर्मर 4 हिंदुस्तानी क्रिकेटर में एक सिख था, एक मुसलमान था, एक हिंदू था और चौथा ईसाई था। ये साथ मिलके एक टीम बन के लड़े थे, तब हम जीत के आए थे। और जिसको ये तोड़ने की बात करते हैं, इन दिलों को जो तोड़ने की बात करते हैं, उनको ये समझना होगा, प्लीज मेंटेन साइलेंस, इससे कोई फायदा नहीं होगा। महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, प्लीज मेंटेन साइलेंस, बैठे महोदय, मैं आपके जरिए प्लीज मेंटेन साइलेंस, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अनुराग जी जब सच कहा जाता है तो अनुराग जी, और उसके लिए मैं इनको जय जी बैठ जाए। अनुराग जी बैठे, महोदय सच सुनने की तैयारी रखनी चाहिए। हमने भी मंत्री जी को सुना था, वो थोड़ी थोड़ी मिर्ची लगती है और वो जरूरी है। गोयल साहब की बात जा रही है ऑन रिकॉर्ड, नो वन एल्स विल गो ऑन रिकॉर्ड, प्लीज लेट्स मेंटेन द डिकोरम प्लीज। धन्यवाद। मैं महोदय यहीं से कहा गया था कि सच, मैंने इसी हाउस में सुना कि सच सुनने की तैयारी रखनी चाहिए, सच सुनने से मोक्ष मिलता है। तो मैं उसी लाइन को दोहराते हुए मेरी बात आगे बढ़ाता हूं। महोदय MSP 2011 में भूपेन जी आज के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री थे मनमोहन सिंह जी साहब, एक निष्ठावान प्रामाणिक आदमी यहां बैठे थे, प्रधानमंत्री थे। उन्होंने विरोधी दल के एक चीफ मिनिस्टर को उस कमेटी की जिम्मेवारी दी। उस कमेटी ने 2011 में एक रिपोर्ट सबमिट की और उसमें लिखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कानून नहीं बनेगा,
तो किसान को फायदा नहीं है, एमएसपी कानून होना चाहिए, वो मोदी जी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने कहा था। आज उस बात को आप भूल गए और आप मनमोहन सिंह जी को कोट करते हो, आप शरद पवार जी को कोट करते हो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करते हो। उनकी सही बात मानो तो उन्होंने कहा था कि जरूर ये चीजें होगी, पर उसके साथ साथ किसानों की सुरक्षा वाले कानून की बात थी। उसमें से दो पॉइंट उठा के कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करो तो उसमें भी हमने किसान की सुरक्षा पूरी तरह से रखी थी। मैं मेरे साथी को ज्यादा टाइम मिले इसलिए लंबी बात नहीं करते हुए आखिरी चार पंक्ति बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूं और मेरा बचा हुआ वक्त मेरी पार्टी को मिले इसलिए मैं छोड़ता हूं। किसान अपने ढेरों दुखों का दुखड़ा, किसान अपने ढेरे दुखों का ढेरों दुखों का दुखड़ा सरकार आपके द्वार फोड़ता है, मजदूर अभी भी पत्थर तोड़ता है, पूंजीपति आपके साथ दौड़ता है, मजे करता है, रह गए वह जो मेरे भारत का नारा लगाते हैं, रह गए वो जो कहते हैं जय जवान जय किसान, उसे आप कहते हो तेरे लिए कुछ नहीं, तुम तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, आत्मनिर्भर इनके पाले नहीं पड़ता। थैंक यू महोदय। थैंक यू ऑनरेबल श्री भूपेंद्र यादव जी। सम्मान्य उपसभापति महोदय,